उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निदेशालय में बटन दबाकर आज मदरसा शिक्षा परिषद की हुई परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया। ऐसे में उन्होंने R9 TV से बातचीत करते हुए कहा, जो बच्चे परीक्षा में टॉपर घोषित हुए हैं उन्हें लैपटॉप, 1 लाख की नगद धनराशि, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आइए आपको सुनाते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। समाज कल्याण विभाग के सभागार में जहां पर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, किस तरीके का सर परीक्षा फल रहा? सर बहुत अच्छा रहा और 1,82,259 कुछ कुल परीक्षार्थियों ने भाग लिया था और 1,41,000 लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई और 44,017 लोग अनुपस्थित रहे। उसमें 1,15,650 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, 25,402 बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं। सर इस बार कुछ नगद राशि उत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, देश की मुख्य धारा से जुड़े, आगे बढ़े। और माननीय प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं ये नारा, यह है उद्देश्य हमारा। जैसे दूसरे बोर्डों में प्रोत्साहित किया जाता है, उसी तरह से 1,00,000 रुपए और एक टेबलेट देकर के हम बच्चों को सम्मानित करेंगे जो टॉप 10 बच्चे हैं। शुक्रिया सर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मदरसों का जिस तरह का आज परिणाम आया है अपने आप में वो अच्छा है और इसमें जो उत्तीर्ण हुए हैं लगभग 40 लोगों को 1,00,000 रुपए व लैपटॉप दिया जाएगा। वहीं छात्रवृत्ति में हो रहे घोटालों पर उनका कहना यह है कि अब उसमें किसी भी तरह का घोटाला नहीं हो पाएगा, पारदर्शिता लाने के लिए हमने उसमें आधार संख्या को अनिवार्य कर दिया है। लखनऊ से BDO जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ संदीप खेर, R9 TV, उत्तर प्रदेश।